आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल के यहाँ पर एक वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पर ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसे कर्मचारी जिनको यहाँ पर जो है अपना पीएफ विड्रॉल करते समय उनकी जो है डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर उनको पता नहीं होती थी, डेट ऑफ एग्जिट जो है उनकी कंपनी या उनका ठेकेदार यहाँ पर नहीं डालता था, उनके लिए एक यहाँ पर जो है मार्क एग्जिट नाम का जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिसकी सुविधा यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से हाल ही में यहाँ पर ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov पर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरह से आप अपने यहाँ पर जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हैं। कल के वीडियो में यहाँ पर कुछ लोगों के कुछ सवाल भी थे कि यदि उनको जो है अपने डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर पता नहीं है तो वो भी जो है किस तरह से यहाँ पर जो है अपने डेट ऑफ एग्जिट पता कर सकते हैं, ये भी सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले। इस प्रक्रिया को यहाँ पर पूरी प्रोसेस के तौर पर www.employkhabar.com पर विजिट करके आप जो है पूरी प्रोसेस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं किस तरह से जो है आपको यहाँ पर पूरा कार्य यहाँ पर करना है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको लॉगिन कर लेना है अपने यूएनए पोर्टल पर। अपना यहाँ पर आपका जो यूएनए नंबर है, जो पासवर्ड है और जो कैप्चा है वो यहाँ पर डाल के आपको जो है यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है यहाँ पर मैनेज मेनू में आप देख पा रहे होंगे, मैनेज मेनू में आपको यहाँ पर जो है मार्क एग्जिट नाम का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इस मार्क एग्जिट नाम के ऑप्शन पर जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है एक नया पेज खुलेगा। उस पर जो है आपने जितनी भी कंपनियों में यहाँ पर अभी तक जो है जॉब की है, जितने भी कंपनियों में के तहत आपने ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उनकी सारी की लिस्ट यानी कि सारे एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगी। इसमें से आपको उस एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट यहाँ पर जो है चुननी होगी जिस एम्प्लॉयमेंट के पीएफ के पैसे के विड्रॉल आप करना चाहते हैं या पीएफ के पैसे विड्रॉल के लिए डेट ऑफ एग्जिट को आप जो है अपडेट यहाँ पर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो में आपको सामने यहाँ पर फिर से एक नया ओपन यहाँ पर जो है एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, एक नया एम्प्लॉयमेंट के पेज यहाँ पर जो है खुल जाएगा जिसमें आपको कुछ जानकारी यहाँ पर दी रहेगी, जैसे कि आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी यहाँ पर दी हुई रहेगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप ईपीएफ दिया रहेगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप ईपीएस यहाँ पर जो है आपका पहले से दिया हुआ रहेगा। अब इसमें जो है आपको यहाँ पर क्या जानकारी भरनी है, तो यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ आपको जो है आपके हिसाब से यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अब डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट करते समय आपको यहाँ पर जो है दो बातों का ध्यान रखना है कि आपने जो नौकरी यहाँ पर छोड़ी है उस नौकरी छोड़ने से कि आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ एग्जिट पता नहीं है तो ये चीज़ आप जो है आपके पीएफ पासबुक में देख सकते हैं। साथ ही आपके जो आखिरी महीने का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंपनी से आपने आखिरी महीने में छोड़ा है उस महीने की आखिरी तारीख जहाँ है आपको यहाँ पर इनपुट कर देनी है यदि आपको तारीख कंफर्म नहीं है तो। क्योंकि यहाँ पर यह होता है कि आपने मान लो कि 14 जनवरी को यहाँ पर जो है अपनी नौकरी छोड़ी है तो आप 13, 12 या 11 इस तरह से कम में यहाँ पर जो है तारीख नहीं डाल सकते, लेकिन 14 के बाद की यदि आप 15, 20, 25 या उस महीने की कोई भी तारीख डालेंगे तो वो तारीख जो है यहाँ पर ले लेगा। लेकिन कम वाली तारीख यदि आप डालेंगे जिस समय आप ड्यूटी पर थे तो वो तारीख जो है आपके यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट में यह नहीं लेगा। तो इसलिए यदि आपको जो है याद नहीं है तो आपने जिस महीने भी यहाँ पर जो है ड्यूटी छोड़ी है उस महीने की सबसे आखिरी वाली तारीख आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद में री इंटर वही तारीख आपको जो है दोबारा यहां पर डालनी है और उसके बाद में सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट आपने ड्यूटी यहाँ पर क्यों छोड़ी वो यहाँ पर जो है आपको इनपुट करता है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर जो है एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी पीएफ खाता है उससे जो आधार कार्ड आपने यहाँ पर दिया है और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी जो है आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ टर्म और कंडीशंस लिखी है जो आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहां पर जो है आपको सबमिट वाले बटन पर यहां पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा, इसमें जो है आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में एक और नया पॉपअप विंडो खुलेगा जिस पर भी जो है आपको ओके पर यहां पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप तो यहाँ पर आपको जो है अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने व्यू मेनू में जाना है और व्यू में यहाँ पर जो है सर्विस हिस्ट्री में आपको जाना है।
सर्विस हिस्ट्री में जाने के आपको यहाँ पर जितनी भी कंपनियों में आपने काम की है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOGEPF लिखा है, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता रहा है, और DOE लिखा है यानी कि डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक सबमिट कर सकते हैं। इसमें इस पूरी प्रोसेस में आपको जो कुछ बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो बात यहाँ पर जो है आप ध्यान दें कि सदस्य स्थापना से प्राप्त अंतिम योगदान, यानी कि आपने जो भी नौकरी यहाँ पर छोड़ी है उसके आखिरी महीने में आपको जिस भी महीने में यहाँ पर पेमेंट कंपनी की तरफ से दिया है उसके 2 महीने बाद ही आप अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख यानी कि PF लिविंग डेट को अपडेट कर सकते हैं। उससे पहले जो है आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जिट की तारीख अंतिम वेतन मिलने वाले महीने से होनी चाहिए। ये जो है आप अपने PF पासबुक जो होती है उस पासबुक में देख सकते हैं कि आपके आखिरी महीने का कंट्रीब्यूशन किस महीने में आया है और उस महीने की जो है आखिरी तारीख आप यहां पर डाल दीजिए। और यदि आपको आखिरी आपको यहाँ पर तारीख कंफर्म है तो आप तारीख भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तारीख कंफर्म नहीं है तो उस महीने की आखिरी तारीख आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर UNA से रजिस्टर्ड होना यहाँ पर ज़रूरी है। आप उसी एम्प्लॉयमेंट या उस कंपनी की नौकरी छोड़ने की तारीख ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं जिस नियोक्ता ने या जिस एम्प्लॉयर ने आपकी तारीख उनकी तरफ से यहाँ पर जो है अपडेट करके नहीं रखी। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी जानकारी दी है कि किस तरह से आप जो है यह चेक कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अपडेट की है या नहीं किया है। तो दोस्तों इस पोस्ट को पढ़ने के लिए भी आप employeekhabar.com पर विजिट करके पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड आपके यदि कोई सवाल है तो जो है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा employeekhabar चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।